न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे। तो मैं जो है इस वीडियो में आपसे टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला हूँ, टेक्नोलॉजी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की टेक न्यूज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंडिया टेक्निकल। आज अपनी वीडियो देखते हैं, मैं आपके लिए बड़ी कमाल धमाल की टेक्स देख रहा हूँ। तो आज अपनी वीडियो देखते रहिए, मैं आप सबको टेक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो इसको फोल्ड कर सकते हैं और इसको जो अपना स्मार्टफोन बना सकते हैं। मैं जो है एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने जब देखी थी तो मैं जो है बहुत ही मुझे मज़ा आया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो प्लीज़ इसको फुल देखिए इस वीडियो को। तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो ही देखिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि लिमो जो है टैबलेट है, बेसिकली ये टैबलेट है, इसको जो आप स्मार्टफोन में भी बदल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है ये फोन और टैबलेट जो है होने वाला है। तो अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है MS पेंट की तरफ से। जैसा कि आपको पता ही है, विंडोज़ जो भी यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कि MS पेंट जो है नेक्स्ट अपडेट में जो है इसने बंद होना था। ये 1985 से जो है आ रहा है 2017 तक, लेकिन 2017 में इसको जो है ख़त्म कर रहे थे। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि इसको ख़त्म ना किए जाए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल MS पेंट जो है काफ़ी यूज़फुल है विंडोज़ के लिए। क्योंकि मैं भी जो इसको यूज़ करता हूँ, मैं जो है सामने काफ़ी ज़्यादा जो है इससे बनाता हूँ। तो अब जो ये खबर निकल जाती है, फाइनली अब जो ये खबर निकल जाती है कि अब जो है MS पेंट इसको जो है विंडोज़ के जितने भी विंडोज़ 10 के जितने भी अपडेट होंगे उसमें जो है इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब जो है ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है आप अपने दिल नाराज ना करें, क्योंकि अब जो है ये वापस आ रहा है, MS पेंट इज़ बैक। तो अगला यहाँ पे अपडेट निकल जाता है वो नोकिया की तरफ से। नोकिया ने जो है नोकिया फाइव जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है, और इसके जो है स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है बता दूँ कि ये जो है आप इसको प्री बुकिंग कर सकते हैं, इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है। तो अब मैं जो आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ इस फ़ोन की, इस फोन का जो साइज़ आपको मिलता है वो है 5.20 इंच का, और इसके जो प्रोसेसर है वो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो है Qualcomm Snapdragon 430 का। स्टोरेज यहाँ पर मिलती है आपको 2 GB, क्योंकि 2 GB काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और सिम जो आपको मिलती है डुअल सिम के साथ आप डाल सकते हैं इसको, नैनो सिम यानी कि दोनों छोटी सिम आपको इसमें जो है डालनी पड़ेगी। और इसका कैमरा की जो है बात करूँ तो रियर कैमरा आपको जो है बैक कैमरा मिलता है 13 MP का, फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 MP का। बहुत अच्छा ये फ़ोन है नोकिया 5, और नोकिया ने पहले मुझे फ़ोन लॉन्च किए हैं नोकिया 3310 और नोकिया 3 6 वगैरह। और इसमें आपको अच्छी बात यह है कि आप जो है 4G LTE सपोर्ट करता है, यानी कि आप जो है इसमें इस फोन में जो है 4G डाटा जो है चला सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे अपडेट निकल जाता है वो जैस की तरफ से। जैस ने जो है प्रीपेड रोमिंग सर्विस जो है न्यू सर्विस जो है लॉन्च की है, जो कि आप अगर इंटरनेशनल जगह पर जाएंगे ट्रिप के लिए, अभी विजिट के लिए, जैसा कि आप उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो काफ़ी प्रॉब्लम करनी पड़ती है
सिम बाय करने की, यानी कि उधर की सिम बाय करने की। तो उधर जो है अब जैस ने जो है एक न्यू प्रीपेड रोमिंग सर्विस जो है लॉन्च की, अगर आप उसको लेते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है ये मिल जाता है। ये जो है 30 कंट्रीज में जो है लॉन्च हुआ है, जैसे कि यूके अमेरिका इटली और जो है तुर्की में जो है ये काफ़ी कंट्रीज हैं, जो कि 30 कंट्रीज हैं जिसमें जो है ये सर्विस लॉन्च की गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। आप बने हमारे साथ और बोलते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।